अवतार वाणी को ही ले लो, चाहे हरदेव वाणी को ही ले लो, वास्तव में उसमें एक एक शब्द जो है ऐसा कि हमारे दिल को छू जाने वाला होता, एक एक सच्चाई है उसके अंदर, हमारे पूरे जीवन का सार है। आज आपके सामने एक ऐसे शब्द जो ऐसे विचार है हरदेव वाणी के, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। वास्तव में कहते कोई भी शब्द ले लो, एक एक शब्द ऐसा है, हर एक शब्द में वो सच्चाई है कि अगर हम उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और सच मान के जीवन में ढाल लेते हैं, तो वास्तव में हमारा बेड़ा पार है। हम कहते हैं कि सत्संग जाते, सेवा करते, सुमरण करते, सब कुछ करते हैं, मगर ये जो सच्चाई उन्हीं से, देखो सत्संग होता है अवतार वाणी से, हरदेव वाणी से, जो आप सभी जानते हैं सत्संग में अक्सर ऐसे विचार आते हैं हरदेव वाणी से और अवतार वाणी से, और उन्हीं के तर्क वितर्क जो भी, मतलब उनमें जो बातें लिखी होती हैं उन्हीं को हिंदी अनुवाद करके हमें समझाते महात्मा जी, और हम गदगद हो जाते हैं। तो जरा सोचो, अवतार वाणी हरदेव वाणी किसके पास नहीं है, सभी के पास है, और इसमें कोई सा शब्द पढ़ लो, एक दो लाइन पढ़ लो, उसमें बहुत कुछ आपको मिल जाता है। दो लाइनों में इतना कुछ मिलता है कि आप पूछो नहीं। तो आज आपको हरदेव वाणी के ऐसे शब्द सुनाऊंगा, अगर आप सुबह उठ के सबसे पहले वो विचार अगर आपने पढ़ लिए, वो पूरा ही ग्राफ पढ़ लिया, तो वास्तव में अगर रोज पढ़ने लगे, पहले दिन अगर पढ़ोगे देखो, और पढ़ के आप घर से निकलोगे ना, तो वास्तव में आपका मन ऐसा हो जाएगा ना कि पूरा दिन आपका ऐसे बीतेगा, ऐसे बीतेगा कि कुछ कहने को नहीं। काफी दिनों से देख रहा था और सोच रहा था क्या करे क्या ना करे, यार सुबह उठता हूं तो कुछ ना कुछ, तो इन पे जब फरमाना, कहते आजमाना, इन चीजों को आजमाया नहीं जाता है, इन पे चला जाता है, इनके ऊपर विश्वास किया जाता है। कि आजमाया तो वो जाता है कि जिस पे हमें भरोसा नहीं होता है, और ये इस पे हम नहीं चलेंगे, अगर इन वचनों पे नहीं चलेंगे तो हम कैसे चलेंगे। गुरु जो हमें बताते, सदगुरु जो हमें बताते हैं, उन्हीं के वचन इसमें होते हैं। कहते हैं कुछ उसमें शब्दों में लिखा होता है, और अवतार वाणी जो हरदेव वाणी श्लोक टाइप में लिखा होता है, जो हम पढ़ते हैं गुनगुनाते हैं, वही सच्चाई हमें सदगुरु बताते हैं। कोई भी वचन आते हैं, अगर हम सदगुरु के आते हैं या किसी संत महात्मा के वचन आते हैं, अगर हमने पूरी अवतार वाणी या हरदेव वाणी कंठस्थ कर रखी है, तो वास्तव में कहीं ना कहीं हमें वो मिल जाएगा कि हाँ यहाँ से बात हो रही है, वहाँ से बात हो रही है। तो इनको हमें जरूर पढ़ना चाहिए। अभी फिलहाल आपको छोटा सा एक सुनाऊंगा, और सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि सभी के सभी जो भी वीडियो देख रहा हो, जो भी इसको पढ़ेगा, सबके पास हरदेव वाणी है, और देखना वैसे भी कोई सा शब्द उठा के पढ़ लो, शुरू से पहला ही पेज उठा के पढ़ लो, उसी में सब कुछ छुपा हुआ। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक हो के धन्य गाजी, और जो मैं मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को भाई प्यार भरा नमस्कार। जो मैं आपको सुनाऊंगा, वास्तव में आपको कह रहा हूँ, इसको हर रोज पढ़ना चाहिए। मैं तो कई कह रहा कि सुबह उठते ही पढ़ना चाहिए, शाम को भी पढ़ना चाहिए, दिन में ही पढ़ना चाहिए, मगर एक वक्त के दो मिनट निकाल सकते हो पढ़ोगे तो कम से कम सुबह सुबह। कहते हैं कि घर से अगर हम अच्छे मन से निकलते हैं तो पूरा दिन हमारा अच्छा बीतता है, और घर में कोई ऐसे खटास हो जाती है तो पूरा दिन बेकार जाता है, ऐसे अक्सर लोग मानते हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह हरदेव वाणी के शब्दों से शुरुआत करते हैं। तो अभी आप जी के सामने, अभी आप जी के चरणों में पेश करता हूँ, आप जी सभी प्रवान करना। साहिब तू बेअंत है तेरा, अंत कोई क्या पाएगा, अंत क्या कोई क्या पाएगा, तू निर्गुण न्यारा है तेरे, तू निर्गुण न्यारा है तेरे, गुण कोई क्या गाएगा, साहिब तू बेअंत है तेरा, अंत कोई क्या पाएगा, तुझसे धरती तुझसे अंबर तुझसे चांद सितारे हैं,
कायम दायम जगह पे अपने, कायम दायम जगह पे अपने, तेरे दम से सारे हैं साहिब, तू बेअंत है तेरा अंत कोई क्या पाएगा, तू सृष्टि का निर्माता है, तू सृष्टि का निर्माता है, तू ही से चलाता है जल थल नभ के हर प्राणी को, जल थल नभ के हर प्राणी को, तू भोजन पहुंचाता है साहिब, तू बेअंत है तेरा अंत कोई क्या पाएगा, तुझसे दिन निकलता है और तुझसे होती रात है, तुझसे दिन निकलता है और तुझसे होती रात है, जग में जिसने जो पाया है, जग में जिसने जो पाया है, सब तेरी सौगात है साहिब, तू बेअंत है तेरा अंत कोई क्या पाएगा, ए जहां के मालिक तूने, ए जहां के मालिक तूने, कुल संसार संभाला है, कहे हर देव ये रचना तेरी, कहे हर देव ये रचना तेरी, तू इसका रखवाला है साहिब, तू बे अंत है तेरा अंत कोई क्या पाएगा, तू निर्गुण न्यारा है तेरे, तू निर्गुण न्यारा है तेरे, गुण कोई क्या गाएगा साहिब, तू बेअंत है तेरे गुण कोई क्या गाएगा, गुण कोई क्या गाएगा। तो साध संगत जी, आप सभी ये विचार देखो कितने अच्छे, कितने अच्छे इनके एक एक शब्दों की कहते हम व्याख्या करें, इस वास्तव में यही सच्चाई। अगर सुबह सुबह हम इसको पढ़ लेते हैं, और अभी देखो मैंने पढ़ के आप जी को सुनाया है, और मेरा मन कैसा अंदर से ऐसा प्रफुल्लित हो गया, ये खुशियों की लहर सी दौड़ रही, ऐसे लगता कोई एनर्जी सी आ गई इसमें, वास्तव में कि साहिब तू बेअंत है तेरा अंत कोई क्या पाएगा, वास्तव में कि तू बेअंत है, तू निर्गुण है, तू न्यारा है, तेरे गुण कौन गाएगा, कौन गा सकता है तेरे गुण, तू हर किसी से निर्गुण, मतलब तू निर्गुण है, न्यारा है, जब हर किसी से निर्गुण है, सभी से न्यारा है, तो तेरे गुण कौन गाएगा, तुझसे धरती अंबर मतलब हर एक चीज इसी परमात्मा से, सब करने वाला तू ही है, हम क्या हैं, तुम क्या हो, दुनियादारी क्या है, सब कुछ तो यही है, अगर इसको हम रोज पढ़ते हैं ना, वास्तव में हमारे सारे दुख दरिद्र ऐसे मिट जाएंगे, छुमंतर हो जाएंगे जैसे कभी आए नहीं। वास्तव में आपने सुना, सभी ने सुना होगा, ये भजन भी कहते, भजन बना के यूट्यूब पे भी मैंने कई बार सुना था, तो जब सुना तो देखा हरदेव बाड़ी का शब्द है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा, तो कई बार गुनगुनाता हूँ, गुनगुनाने के बाद कहते हमारा मन गुनगुनाता है कि वास्तव में हम क्यों परेशान हो रहे हैं, हम किस लिए परेशान हो रहे हैं, हम धन के लिए परेशान हो रहे हैं, मगर धन तो हमें उतना मिल रहा है ना, खाना हो रहा, पीना हो रहा, आराम से खा पी के सो जाते हैं, कपड़े धुले मिल जाते हैं, काम पे चले जाते हो, तनख्वाह भी आती है, और दाएं बाएं से भी पैसा आता है, तो हम क्यों परेशान हैं, क्योंकि हम सच्चाई से परे हैं, परे नहीं है, सच्चाई को हमने ढक दिया है, हमने कहते हैं उजाले को, उजाला तो वैसे ही पैसा है, सूरज कहीं नहीं डूबता, सूरज वैसे वैसा अपना प्रकाश हमेशा उसका
बना रहता है, मगर धरती ऐसे घूम जाती है, जो सामने आ जाता है वहां उजाला हो जाता है, और जो पीठ दिखा देता है वहां अंधेरा हो जाता है। तो वास्तव में हम भी वही करते हैं कि परमात्मा निरंकार सदगुरु जब पीठ भी दिखाने लगते हैं, मन को मोड़ लेते हैं किसी और दिशा में, तब हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार हो जाता है और हमें दुखों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम सच्चाई को हम परे कर देते हैं, सच से हम मुंह मोड़ लेते हैं, सच्चाई को हम ढक देते हैं, सच्चाई पे हमें काली पोत देते हैं और झूठ में हम जीने लग जाते हैं कि सदगुरु ये सच है, निरंकार ये सच है और साथ संगत सच है और सेवा सिमरन सत्संग भी सच है, कर इनका हमने साथ पकड़ा है। तो वास्तव में इसी कहते बुढ़ापे की लाठी, बूढ़े आदमी की लाठी देखी आपने, बेशक उससे होता कुछ नहीं। तो अब ज्यादा आपको क्या कहूं, क्योंकि जो हमने थंबनेल में लिखा हरदेव बाड़ी के शब्द, अगर सुबह उठते पढ़ा करो, तो कहते हैं वास्तव में हर किसी को पढ़ना चाहिए, हमारे पास सब कुछ दे रखा है। कहते अगर स्कूल में पढ़ के अब घर आए, जो पढ़ाया जाता है स्कूल में की याद करके कल सुनाना, अगर हम उतना ही पढ़ते रहेंगे तब भी हम बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, हमें बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा, हम आगे चल के हमें दिक्कत नहीं होगी। तो जो हमें सदगुरु सिखाते हैं वो सब कहते हैं, जो हमें आज सदगुरु ने बोला है, कल सदगुरु बोला, परसों बोला था, वो सब हमारे सामने किताब रूप में दे दिया जाता है कि भूलो ना। कहते प्रैक्टिस होती ना स्कूल में, कहते वो आप अभ्यास करो, अभ्यास के लिए हमारे पास सामने किए लो, जो हमने परसों आपको कहा था वो आपके दिमाग में शायद नहीं होगा, किताब में पढ़ो ताकि हमारे दिमाग में बनी रही बातें। कहते यही बातों की अगर कहते हम दिन रात अगर रटते रहेंगे अपने दिमाग, कहियो महात्मा ऐसे देखे, कहते कैसे महात्मा, अभी दास को कहते कि चार लाइनें याद करके भूल जाता है, ऐसे ऐसे महात्मा देखे पूरी पूरी। एक हमारे महात्मा जी थे, आज इस समय दुनिया में नहीं है, ब्रह्मलीन हो चुके, अवतार बाड़ी उनको ऐसे कंठस्थी पद पूछो नहीं, कोई सा भी सुनाने लग जाते थे और पूरा पूरा सुनाते थे। तो दास को तो पता नहीं क्या, इतना तो अब याद नहीं कर पाता, कहते कि काम करो ये करो वो करो, दिमाग चार जगह जाएगा तो कैसे याद रहेगा। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सबका ही हो रहा है सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगे लाइक करना, और कौन कौन किस किस ने पढ़ना शुरू कर दिया, और पढ़ने के बाद देखो आपको कैसा लगता है कि आपका दिन कैसा गुजरता है, मन कैसा होता। सत्संग तो हम रोज नहीं जा पाते हैं, सभी का यह हाल, बहुत से संत महात्मा बहनें ऐसी सुनने को मिला कि सुबह सुबह सत्संग जाती जाती कुछ भी हो जाए। एक बहन हमें मिली थी किसी मतलब जगह पे, ऐसे ही अचानक पहचान हो गई कि निरंकारी हैं, तो बातों बातों पता चला कि बहन रोज जाती है सत्संग, सुबह की संगत छोड़ती नहीं है। तो मतलब मुबारक है ऐसे लोग कि संगत सुबह की नहीं छोड़ते, यहाँ तो संगत मिलती कभी हफ्ते में एक मिल गई दो मिल गई, नहीं तो नहीं मिली। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक, धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सबका सभी को प्यार भरा नमस्कार।